नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी जोशी और राम के इस पैड़ी से अयोध्या से हमारी अखंड कवरेज लगातार जारी है। मेरे राम आए हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्रतीक्षा क्या होती है, प्रतीक्षा वो होती है जिसकी आस में कभी कभी आंखें पथरा भी जाती है। प्रतीक्षा वो होती है जो आंखों में आंसू ला देती है। प्रतीक्षा वो होती है जो राम मंदिर की आस में न जाने कितनी पीढ़ियां साकेत वासी हो गई, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिल पाया, क्योंकि भव्य राम मंदिर का जो स्वप्न उन्होंने देखा था, वो स्वप्न जो है वो केवल कल्पना में लेकर चले गए। लेकिन करोड़ों राम भक्तों की प्रतीक्षा अब खत्म हुई। जो स्वप्न उन्होंने देखा था वो सपना पूरा हुआ और अब अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है। राम जी अपने घर में पधारने वाले हैं। और जब मैंने कहा कि प्रतीक्षा क्या होती है, प्रतीक्षा के साथ साथ संघर्ष चलता है। वो संघर्ष क्या है? वो संघर्ष जिन्होंने देखा है वो आज हमारे साथ इंडिया टीवी के मंच पर मौजूद हैं। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ मैं स्वागत करना चाहती हूँ युग पुरुष 1008 स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा। मुझे बहुत खुशी हो रही है परमानंद जी, आज आप हमारे साथ इस मंच पर आसीन हैं। आप श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्टी हैं और वाकई में ये एक ऐसा सुअवसर है। महाराज जी, आपने सोचा था, आपने कल्पना की थी, 92 वर्ष आपकी आयु है, 70 वर्ष का ये संघर्ष जो कानूनी तौर पर लड़ा गया, लेकिन आप तो इस संघर्ष से अपने जन्म के साथ साथ जुड़ गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो अभी पूछा है विषय वो तो है ही, पर एक मैं भूमिका की तरह पर कुछ कहना चाहता हूँ, फिर अपनी बात रखूंगा। इस प्रभु राम के मुद्दे को, मंदिर के मुद्दे को जो भाजपा, बसपा, कांग्रेस आज के मुद्दों से सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है। ये हमारा आस्था का मुद्दा है, ये हमारे आराध्य का मुद्दा है। और एक बात और कह देना चाहूंगा, सिख पंथ में भाई गुरदास जी हुए हैं, उस समय न कांग्रेस थी, न भाजपा थी, न जनसंघ था। उस समय उन्होंने कहा है, ठाकुर द्वारे ढाए के ते थोड़ी मसीत उसारा, ठाकुर द्वारे गिराकर उसी जगह मस्जिद बनाई। जगह की कमी नहीं थी, हिंदू का अपमान करने के लिए बनाई गई, वो इबादत के लिए नहीं बनाई गई। मुगलों ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए ऐसा किया और विवादित जगह पर बनी हुई मस्जिद की इबादत खुदाबंद करीम स्वीकार नहीं करते, फिर क्यों बनाई गई? केवल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए। इसलिए मैं वो दिन भी बताना चाहूंगा जब हम छत पर थे और ढांचा गिराया जा रहा था, कई उसमें चढ़े हुए बच्चों को कहा गया नीचे उतर जाओ, तुम्हें राम की सौगंध। उन्होंने कहा हम ढांचे के साथ गिरेंगे, मर जाएंगे, लेकिन उतरेंगे नहीं। हमने भी कहा, हम मंच से लाउड स्पीकर से कहा कि जब धनुष तोड़ने के लिए राजा लोग गए, नहीं टूटा। जब गुरु जी ने आज्ञा दी तब धनुष टूटा। तो जब तक संत न कहें मत गिराओ, पर युवक माने नहीं, चढ़ गए, गिराते रहे। और ऊपर कितनी देर रहने के बाद भी पलस्तर नहीं छूटा, लगता था कैसे गिरेगा। तब मालूम है
बहुत जगह दीवारें बनती हैं, किनारे किनारे ईंटें लगाए जाते हैं और बीच में मलबा भर दिया जाता है। तब बताया गया कि ऊपर से नहीं गिरेगा, नीचे की ईंटें हटाओ तब जाएगा। तो ढांचा गिरा। तो पहली बात तो ये सबको कहना चाहूंगा, भाजपा का मुद्दा नहीं है, भाजपा ने साथ दिया है, ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस जरूर मंदिर के विरोध में रही है, लेकिन ये मुद्दा कांग्रेस के समय का नहीं है, उन मुगलों का है जिन्होंने मंदिर तोड़े। और इन मुसलमानों से भी हम कहना चाहते हैं कि वो मुगल बादशाहों के साथ न जुड़ें, वो इस भारत के हैं, भारत की अस्मिता के साथ उन्हें रहना चाहिए और मंदिर के लिए साथ देना चाहिए। महाराज जी, जो भूमिका आपने बांधी उसमें 90 और 92 के दशक की जो राजनीति थी और जो उस वक्त अयोध्या नगरी में हो रहा था उसकी रूपरेखा आज प्रत्यक्ष आंखों के सामने आ गई। मैं उससे और थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूँ आपको। जब ये चर्चा होती थी साधु संतों में कि क्या करना है, मैं उस समय आपको ले जाना चाहती हूँ जब सुग्रीव किले में भी बैठकर आप साधु संत बैठकर चर्चा करते थे कि राम मंदिर तो होना चाहिए। तब प्रेरणा कहाँ से आती थी? प्रेरणा तो अंदर बैठे राम के ही अंदर से आती है, और हमारी आस्था है, और हमें पता था कि ये मंदिर गिरा के बना है तो स्वाभाविक है इच्छा होना। पर हम बधाई देते हैं आरएसएस को और विश्व हिंदू परिषद को, जो हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो राम लक्ष्मण की तरह आगे आए और हम विश्वामित्र की तरह उनके साथ रहे। इसलिए उन्होंने संघर्ष किया। तब सवा सवा रुपए की टिकटें थी शुरुआत में, हम लोगों ने टिकटें खरीदी, फिर शिला पूजन के लिए देश भर में गए। तब कई बार मीडिया भी कहता था कि आप भगवान का भजन करो, इनके बरगलाए क्यों लगे हो? हमने कहा इनके बरगलाए हम नहीं लगे, हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए ये लोग हमारा साथ दे रहे हैं। इसलिए संघ को, विश्व हिंदू परिषद को हम बधाई देते हैं कि जैसे विश्वामित्र की इच्छा को राम लक्ष्मण आगे होकर पूरा करते थे, तैसे ही राम लक्ष्मण की तरह आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने हमारा साथ दिया। और आज वो दिन आया है, एक दिन वो था जब खुशी का ठिकाना नहीं था, हम छत पर थे, ढांचा गिरा। तो उस समय आपकी आयु क्या थी उस वक्त महाराज जी? उस वक्त आपकी आयु क्या थी, आप कितने वर्ष के थे? हमें आयु की तो याद नहीं है, पर अब हम 90 के ऊपर हैं। लेकिन हम छत पर खड़े थे, तब गिराने वालों ने ये नहीं कहा मंदिर बन जाए, कहते हैं हमें जो खटकता था हमने हटा दिया। मंदिर से ज्यादा इच्छा थी हमारी छाती को आग लगाने वाले ये ढांचे जो मंदिर के ऊपर बने हैं। और वही बात वाराणसी में है, दीवाल मंदिर ना दिया, वहां टोपी भर है मस्जिद। कई लोग राजनैतिक लोग ये कह रहे हैं इससे एकता नहीं होती, इसलिए ये इस मुद्दे हटा दिए जाएं। हम लोग ये कहते हैं जब तक मंदिर में मस्जिद दिखती रहेगी तब तक एकता नहीं होगी, इसलिए मंदिर से गुंबज हटाए जाएं तभी एकता हो सकती है। एकता का संदेश जवानी बातों में नहीं होता, भूसे के ऊपर लीपने से कभी काम नहीं बनता। इसलिए ये द्वेष के कारण ये जो हमारे भाईचारे में बाधा है, सभी राजनैतिक पार्टियों को कहते हैं मंदिर के ऊपर से जब तक मस्जिदें नहीं उठती तब तक एकता नहीं होगी, इसलिए एकता के लिए आवश्यक है ये हटना। और एक में तो हमने कामयाबी पा ली है, अभी तो पहली झांकी है मथुरा काशी बाकी है। और हमने झोली फैलाकर तीन मांगे थे कि झोली में डाल दो,
पर नहीं दिए गए, तब हम लोगों ने मांग की 3 नहीं तो 30,000, नहीं बचेगी कोई मजाल। लेकिन महाराज जी, जब आप ये बात कह रहे हैं, प्रभु श्री राम तो स्वीकार्यता का नाम है, वो ये कहते हैं जो विरोधी है, आपने उस वक्त की भी याद दिलाई जब आप घर घर बात करते थे, उस वक्त मीडिया भी आपको ये कहती थी कि आप ये कौन सी दिशा में चले गए। हो सकता है तुष्टीकरण की राजनीति भी उस वक्त बलवती रही होगी, लेकिन आज अयोध्या में तो भव्य राम मंदिर है, काशी और मथुरा का केस तो कोर्ट में है, जो कोर्ट कहेगा सो होगा। आपके इस तरीके से आह्वान करने से आपको नहीं लगता कि माहौल बदलेगा? नहीं, हमको ये नहीं लगता कि कोर्ट का मसला है, कोर्ट से सुलझाया जाएगा, मसला तो आंखों से दिखता है, आंखों से दिखाई दे रही है दीवाल मंदिर की नांदिया बेटा। कोर्ट से हम जा रहे हैं पर वो आंखों से दिखता है, इसलिए हमें पता है कोर्ट अंधा नहीं होता, उसे भी दिखता है, फैसला वही आएगा जो सच्चा है। राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का श्रेय लेना चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमित्त बोलकर ये श्रेय ही तो लेने की कोशिश है, ये प्रयास है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये श्रेय का मौका तो कांग्रेस के पास भी था शुरू में, तब उन्होंने तो ये राम को ही नकारा, सेतु को नकारा और ऐतिहासिक, तो वो नकार, उन्हें श्रेय लेने में की रुचि ही नहीं रही, नहीं तो मिला ही जाता। चर्चा ये होती है कि राम जी के मंदिर को राष्ट्र का मंदिर कहा जा रहा है, लेकिन राष्ट्र का सबसे बड़ा मंदिर तो वो संविधान और पार्लियामेंट है, आप इसे किस तरीके से चुनौती देते हैं? ये बहुत अच्छा है, ये राष्ट्र का मंदिर इसलिए है कि राम सबको लेके चलते थे, गरीब अमीर को पिछड़ों को सबको लेके चलते थे, न्यायप्रिय थे, अन्यायी नहीं थे, इसलिए उनका मंदिर राष्ट्र का ही मंदिर है। शिखर को लेकर जो विवाद है उसे आप खंडन करना चाहेंगे? असल में जब रामलला बैठेंगे, देखो हम पैदा हुए थे तो हमारे चोटी नहीं थी, चोटी बाद में आई है, तो ऐसे ही अब चोटी रह जाएगी, तो जब रामलला बैठेंगे चोटी आप ही आ जाएगी। एक शंकराचार्य जी का कहना ये था कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, रामलला को स्पर्श करेंगे, तो क्या हम वहां पर बैठकर तालियां बजाएंगे? अब वही मान, वो विषय तो उनका है कि उनको पूज्य है, उनके द्वारा कराते तो शायद आते, पर हम लोगों को लगता है कि हमारे काम राजा लोग करते थे और राजाओं को हम तिलक करके सम्मान करते थे, तो वर्तमान के राजा हमारे मोदी हैं, उनके बनाने से हम बहुत खुश हैं और हमारा हृदय से आशीर्वाद है कि उनको ये सौभाग्य मिला है, उनके समय पर ये सब काम हुआ है, इसलिए उनको श्रेय मिलना ही चाहिए। एक अंतिम राजनीतिक प्रश्न, और राजनीतिक प्रश्न ये है कि 2024 में आप किसकी विजय देख रहे हैं? हाँ, जो जिसने काम किया है सबको पता है, देश की जनता मूर्ख नहीं है, अंधी नहीं है, उन्हें सब दिखता है कौन किसके पीछे लगे हैं, कौन मस्जिद गिराने वालों के, कौन मंदिर बनाने वालों के, इसलिए ये पक्का है कि सारे दल मिल जाएं तब भी वो दलदल में ही जाएंगे, एक ही पार्टी है जो ऊपर रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए।